मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो आप ये सोच लो कि मैं इस प्रेगनेंसी में भी अपनी स्टडी को परस्यू कर रही हूँ, तो मेरी मेंटेलिटी क्या होगी? बैन करो, मेरे चैनल को बैन करने के लिए बोल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम विद पूजा। सो मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और एक्चुअली आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा और आप बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। तो क्या है, किस लिए है, क्यों मैं इतनी हाइपर हूँ? हाइपर सेंस की मुझे ख़राब लगता है जब मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर रही हूँ और लोग मुझे बोल के निकल जाते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप फिर से थंबनेल देख के और बस नीचे कमेंट करके ना ही चले जाइएगा, देख लीजिएगा। अगर 5 मिनट भी देख लेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या है, तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया कि किसी मैडम ने मुझे कहा है कि बैन दिस चैनल, दिस टाइप ऑफ यूट्यूबर्स। ओके, सो किस बारे में बात कर रही है ये, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी प्रिया दीप दी के ऊपर, प्रिया दीप चैनल जो है उनके दी के ऊपर वीडियो बनाई थी। और आज मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ, मैं उनके नाम पे व्यूज़ नहीं लेने वाली, मैं उनको हैशटैग में बिल्कुल भी टैग नहीं करने वाली। मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे इस पर कोई व्यूज़ चाहिए। मुझे कुछ जवाब देने हैं कुछ ऐसे लोगों को जो फालतू की चीज़ें करते हैं। और मैडम जी हैं जिन्होंने मुझे कहा, उन्होंने वीडियो आई थिंक देखी नहीं, और क्योंकि अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, नीचे लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि मैंने उस वीडियो में क्या गलत कहा। उस थंबनेल को देखा और उस थंबनेल को देख के मुझे इतने सारे कमेंट मार दिए। तो कमेंट ये रहा, और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। तो लिखा है, इंग्लिश में बहुत इंग्लिश आती है इन्हें, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप लंदन जा सकती हो, और नहीं तो आप इंग्लिश टीचिंग क्लास भी स्टार्ट कर सकती हो, बहुत अच्छा है, किसी को डीमोटिवेट करने से बेहतर है। तो लिखा है कि ओ एम जी दिस इज मेंटलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। यस, हाँ एग्जिस्ट करती है। ओके, सो बैन दिस चैनल दिस टाइप ऑफ यूट्यूबर, आवर होल सोसाइटी, वॉट द हेल शी इज टॉकिंग अबाउट सिंदूर एंड ऑल दैट इट, दैट वॉट इज द मैटर इफ सिंदूर बिंदी चूड़ी यू डोंट हैव देन यू कांट ब्रीथ, प्लीज डोंट स्प्रेड दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी, शट द ऑफ। ये पता नहीं क्या लिखा लाज का, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो कोई मुझे बता दीजिएगा कि इसमें मोटिवेट कहाँ से किया, और अगर मोटिवेट किया तो मुझे क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने उसको रिप्लाई किया कि आप ही के जैसे कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं। सो आप वीडियो को पूरी देखिए, बट मैडम का कुछ और ही मूड था, तो मैडम ने फिर से मुझे रिप्लाई किया कि यू टू डियर टेक केयर एंड प्लीज डोंट चेंज योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अपनी सेल्फ को कभी चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि मैं क्या हूँ, ये कैसी हूँ, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, बिकॉज समवन हैज़ टू बी एग्जिस्ट लाइक यू। ओके, राइट, सही बोला आपने। एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई हैव जस्ट पॉइंटिंग अबाउट योर थॉट्स। मैडम जी मेरे थॉट्स गलत नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए। ओके, थॉट्स नॉट योर टैलेंट। थैंक यू सो मच, आपने सोचा कि मेरे में इतना टैलेंट है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, कीप गोइंग विद दिस मेंटेलिटी, दी एंड। सो सबसे पहली बात कि उस वीडियो के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो वीडियो सिर्फ इतनी सी थी कि उन दीदी को एक औरत ने कमेंट किया था कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि आपको शर्म नहीं है, आप इस लॉकडाउन में जाके बिंदी चूड़ी सिंदूर खरीद रही हैं। तो मैंने उस वीडियो में इतना ही बोला था कि हर कोई जो मैरिड है उसको हक है खरीदने का, और वो खरीदेगा, और अगर आप इतनी केयर करते हो तो उन्हें भी अपनी फैमिली की केयर है, और मैटर नहीं करता कि वो चूड़ी बिंदी लेने गई हैं, तो वो लेने गई हैं, वो उनके शौक है, तो जिसके शौक है वो तो पूरे करेगा ना।
तो उसमें ये कहा था कि सामने वाला इंसान चूड़ी बिंदी के बिना रह सकता है, लेकिन क्या पता सुहाग की चीज़ है तो हर चीज इंसान के लिए मैटर करता है। कोई अगर कोई चीज़ पहने चाहे नहीं पहने, तो एटलीस्ट सिंदूर और चूड़ी तो ज़रूर पहनता है, कुछ करे चाहे नहीं करे। तो अगर वो मेरे पास नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे बना के रखूँ, पहनना चाहूँ, तो मैं ऑफकोर्स उसको लेने जाऊँगी। तो मैं उस वीडियो में इतना ही कहना चाह रही थी, मेरी मेंटलिटी कभी गंदी नहीं होती। और इन्होंने कहा कि उन्हें क्या कहा कि अगर चूड़ी बिंदी नहीं होती होती है तो क्या आप ब्रीथ नहीं कर सकते? तो आप ब्रीथ कर सकती हैं, शायद मैं ब्रीथ नहीं कर सकती क्योंकि शायद आप मैरिड नहीं होंगी, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगी कि इसके बिना ब्रीथ करना किसे कहते हैं। जिनकी शादी हो जाती है ना, वही समझता है। तो इस तरह की लाइन स्पेशली मेरे जाने में मत ही मारना, मेरे को बहुत बेकार लगी ये लाइन, बहुत ही बकवास थी, बहुत ज़्यादा बकवास थी। इसमें मोटिवेशन कहाँ था मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेशन था। और बात रही मेरी मेंटिलिटी की, तो मैडम जी मेरी मेंटिलिटी इतनी अच्छी है कि आपसे ज़्यादा मैं अपनी मेंटिलिटी को लेकर चलती हूँ। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि लोग इतना डीमोटिवेट क्यों करते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है उनकी। मेरे हस्बैंड जी एक ही चीज़ कहते हैं कि पूजा, ना तुम चोरी कर रही हो, ना तुम चकारी कर रही हो, ना तुम कोई गंदा काम कर रही हो, तो फिर तुम्हें क्या टेंशन है इस चीज़ की कि कौन तुम्हें क्या कह रहा है। मैं कभी इस तरह के वीडियोस नहीं बनाती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन कोई मेरी मेंटिलिटी पर सवाल उठाता है। मेरी मेंटिलिटी आपको मैं बताऊँ मैं क्या हूँ? मेरी मेंटिलिटी ये है, मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैंने एक साल छोड़ दिया, मैंने फिर एमकॉम किया, मेरी शादी हो गई, अपने पापा के लिए मैंने छोड़ा, उन्होंने कहा कुछ सम रीजंस के बेटा अभी छोड़ दो ये वो, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने पापा को कन्विंस किया, मैंने फिर एमकॉम किया, उसके बाद मेरे पापा ने बोला बेटा आपकी शादी करनी है, मैंने शादी के बाद अपना एमकॉम को प्रस्यू किया। फिर दो साल मैंने अपने हस्बैंड के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी कि उन्हें अपना प्रमोशन देखना था, ठीक है। उसके बाद मैं अभी बीएड कर रही हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और मैं अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, आई एम 6 मंथ प्रेग्नेंट, जो मैंने अभी हाल फिलहाल बताई है, और ये मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो आप ये सोच लो कि मैं इस प्रेगनेंसी में भी अपनी स्टडी को परस्यू कर रही हूँ, तो मेरी मेंटिलिटी क्या होगी? कमेंट डाउन करिए और ये बताइए कि मेरी मेंटिलिटी क्या होगी, मेरी मेंटिलिटी में ऐसी क्या गंदी चीज़ है जो वो इस तरह की चीज़ें बोल रही हैं कि सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं, बैन करो, मेरे चैनल को बैन करने के लिए बोल रही है। मैडम जी कराइए बैन, मैं तो चाहती हूँ कि आप बैन कराओ, तो कम से कम मैं घर में रेस्ट तो करूँ, मेरे को मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई इनकम नहीं हो रही इससे, बस शौक है, शौक मतलब हॉबी है मेरी, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस हॉबी को भी परस्यू कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई को भी परस्यू कर रही हूँ, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी परस्यू कर रही हूँ। मैं हर एक चीज़ कर रही हूँ अपने अपने परिवार के लिए कि जो मुझे अच्छी लगती है। मेरी हॉबी जब मेरे पति को ख़राब नहीं लगती, तो आप कौन हैं जो इस तरह की चीज़ें बोल रही हैं कि मेरे चैनल को बैन कर दो? कमेंट डाउन करिए, ऐसी क्या गलत चीज़ मैं कर रही हूँ कि मेरा चैनल बैन होना चाहिए? यूट्यूबर, टाइप्स ऑफ यूट्यूबर्स कौन है इस तरह के यूट्यूबर्स? भाई कोई नहीं है ऐसा। आप लोग ऐसे होते हैं ना जो वीडियो खोल के वीडियो देखते भी नहीं हो, डिसलेक्ट होके चले जाते हैं और एक गंदा कमेंट, एक डीमोटिवेटेड कमेंट मार के जाते हैं कि क्या ही कर रही है, फालतू कर रही है, आम छिल, अरे एक इंसान व्लॉग में अगर आम भी छिल रहा है ना, तो वो उसकी मेहनत है। अगर वो कुछ भी कर रहा है वो उसकी मेहनत है, वो अपनी मेहनत को दर्शा रहा है, ठीक है। तो मैं अपना बारे में बता रही हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मैं कभी भी किसी की वीडियो पर डिसलाइक नहीं करती, क्योंकि वो उसकी मेहनत है। मैं अगर लाइक नहीं करती तो डिसलाइक नहीं करती, कभी भी किसी की वीडियो पर बकवास कमेंट नहीं करती, कभी फेक आईडी बना के कमेंट नहीं करती, मेरी वो आदत बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत लोग को जानती हूँ जो मुझे परेशान करते हैं, और बहुत ही ऐसे लोग हैं ना जिनको जवाब उनके वक्त आने पे मिल जाएगी, मुझे उनको जवाब अभी नहीं देना है। और वो लोग जो मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं और डिसलाइक ठोक के जाते हैं, सो थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आप देखते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती, गलत नहीं सोचती, तो मेरे लिए ना ही लोग सोचें तो बेहतर होगा।
मैं बस अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और बस और कुछ नहीं चाहिए। सेंस था कि मेरी मेंटिलिटी पे सवाल ना ही उठाया जाए तो बेहतर होगा। मेंटिलिटी किसकी कैसी है ये दिखता है यार, कमेंट से बहुत ज़्यादा दिखता है कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आप डीमोटिवेट नहीं करना चाहती और एक तरफ ये बोल रही हैं कि आप इस मेंटिलिटी के साथ चलो। तो अगर मैं इस मेंटेलिटी के साथ यहाँ तक आ सकती हूँ तो शायद मैं कहीं और भी जा सकती हूँ। तो कर रही हूँ, आप लोग भी अपना काम करते रहो, डिसलाइक वाले डिसलाइक करो, डीमोटिवेट मोटिवेट वाले डीमोटिवेट करो और बस यही सब करो, कुछ और नहीं कर सकते। सो मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी मोटिवेटेड लगी हो और मेरी बात थोड़ी भी सही लगी हो तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।